नमस्ते, देवस्मिता किचन में आपका स्वागत है। आज हम ओट उपमा बनाएंगे जो खाने में बहुत टेस्टी लगती है और हेल्दी भी है। तो चलिए देख लेते हैं इसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट की जरूरत होती है। मैं एक बोल ओट ली हूँ, एक गाजर को बारीक बारीक काट ली हूँ, एक चौथाई कप ग्रीन मटर ली हूँ। ये प्रिजर्व की हुई ग्रीन मटर है। इसे एक साल तक कैसे प्रिजर्व करना है अगर आपको जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक ही आप देख सकते हैं। थोड़ी सी फ्रेश करी पत्ता ली हूँ। 1 इंच की आम का अदरक को कद्दूकस में घिस ली हूँ। आप अगर नॉर्मल अदरक ले रहे हैं तो 1/2 इंच ले सकते हैं। एक छोटी सी प्याज को बारीक बारीक काट ली हूँ। एक हरी मिर्च को बारीक बारीक काट ली हूँ। 1/4 छोटी चम्मच साबुत जीरा ली हूँ। बड़ी दाना राई 1/2 छोटी चम्मच ली हूँ। 1 छोटी चम्मच तेल ली हूँ। चलिए बनाना शुरू करते हैं। पहले गैस ऑन करके पैन को गर्म कर लेते हैं। पैन हमारी गर्म हो गई है, अभी हम इसमें तेल को डाल देते हैं। तेल भी थोड़ी सी गर्म हो गई है, अभी हम इसमें राई को डाल देते हैं, साथ में जीरा को डाल देते हैं। ये जैसे झिड़क कर हमारे ऊपर ना आए इसे 1/2 ढक लेते हैं। गैस की फ्लेम अभी हमारी ऊंची आंच पर है। सारे राई और जीरा चिटक गई है। अभी हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर लेते हैं और इसमें करी पत्ता, हरी मिर्च और प्याज को डाल देते हैं। प्याज हल्के से ब्राउन कलर होने तक हम इसे मीडियम फ्लेम में फ्राई करते हैं। प्याज हमारी हल्के से ब्राउन कलर हो गई है। अभी हम इसमें गाजर को डाल देते हैं और साथ में 1/3 छोटी चम्मच नमक डाल देते हैं। आप आपके स्वाद के अनुसार थोड़ी सी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं नमक इंग्रेडिएंट में दिखाना भूल गई थी। अगर आप फ्रेश ग्रीन मटर यूज़ करते हैं तो गाजर के साथ ही ग्रीन मटर को डाल दीजिए। नमक को अच्छी तरह से मिला लेते हैं और इसे ढक करके 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में मिठा देते हैं। बीच बीच में इसके कवर को निकाल के 3-4 बार चला लेंगे, नहीं तो गाजर नीचे लग कर जल सकती है। 3 मिनट हो गए हैं, अभी हम चेक कर लेते हैं। देखिए हमारी गाजर थोड़ी सी पक गई है और इसके कलर भी थोड़ी सी चेंज हो गई है। अभी हम इसमें ग्रीन मटर को डाल देते हैं और साथ में अदरक और 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देते हैं। इसे भी मैं इंग्रेडिएंट में नहीं बोली थी। ये अगर डालेंगे तो हमारी उपमा की टेस्ट बहुत अच्छी आती है और कलर भी बहुत अच्छी आती है। इन सारे को ढक करके और 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में फ्राई करेंगे। 2 मिनट हो गई है, अभी हम इसमें 400 ml पानी डाल देते हैं और इसे ढक करके मीडियम फ्लेम में 5 मिनट के लिए बिठा देते हैं। तब तक इसमें बहुत अच्छे से उबाल आ जाएगी। दूसरी साइड में हम और एक पैन बिठा के ओट को भून लेते हैं। मीडियम फ्लेम में ओट हल्के से ब्राउन कलर होने तक हम इसे भूनेंगे। ओट हमारी हल्के से ब्राउन कलर हो गई है, अभी हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर लेते हैं। दूसरी साइड में देख लेते हैं हमारे अच्छे से उबाल आ गई है या नहीं। इसी बीच में 5 मिनट बीत चुके हैं तो इसमें अच्छे से उबाल भी आ गई है। अभी हम ओट को इसमें डाल देते हैं। ओट को सब्जी के साथ अच्छी तरह से मिला लेते हैं और इसे चलाते हुए ऊंची आंच पर पकाते हैं जब तक इसके सारे पानी सूख न जाए। इसमें से सारे पानी सूख गए हैं और हमारी ओट भी पक गई है। हमारी ओट उपमा अभी सर्व करने के लिए रेडी है। अभी हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर लेते हैं और इसे सर्व करने के लिए एक दूसरी बोल में निकाल लेते हैं। आप बिल्कुल इस तरह ओट उपमा बनाइए, खाइए। आपको कैसा लगा इस वीडियो को नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर शेयर कीजिए। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, दूसरे को भी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मेरी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। नमस्कार।